स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया था परम्यूटेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशंस क्या होता है, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा पहले, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऋषि बी अरेंज्ड। मेरा ही नाम लिया है मैंने यहाँ पे। तो देखो मैं देखना चाहता था कि मेरे नाम से जितने भी लेटर है मेरे नाम में उससे अरेंज करके मैक्सिमम कितने लेटर्स बन सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखो आप अपना भी नाम डाल सकते हो और निकाल सकते हो, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि मेरा ए नाम है और उससे मैं इतने लेटर्स अरेंज कर सकता हूँ। तो देखो मेरा नाम ए है, आर यू एस एच आई। तो इसको अरेंज करके, अरेंजमेंट का है मतलब परम्यूटेशंस का एग्जांपल है। तो देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो 5 P ये 5 है, ठीक है, 5 P। और अरेंजमेंट करने के यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बताया कि 3 करो, 3 लेटर्स लो ओनली, 4 लेटर्स लो। तो हमें 5 में से 5 लेने का है। और हमने देखा था NPN, अगर ऊपर अगर N की वैल्यू सेम ही है नीचे भी उतनी है तो NPN इज इक्वल टू क्या होता है, N फैक्टोरियल मीन्स 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, 120 आती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, मैं मेरे नाम से 120 वर्ड्स बना सकता हूँ अरेंजमेंट करके, ठीक है, समझ में आए। अब अरेंजमेंट क्या होती है, NPN की वैल्यू N फैक्टोरियल आती है, देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अरेंजमेंट क्या होती है, सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ऑर्डर मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये सब हम पिछले वीडियो में पूरा डीप में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देखो मेरे नाम से मैं 120 लेटर्स अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आप भी आप अपना नाम कमेंट करके आप अपने वर्ड नाम से कितने वर्ड्स अरेंज कर सकते हो ये आप मुझे बताओ कमेंट में। तो देखो इसका आंसर भी सी आता है, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आती है, ठीक है। ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था, देखो यहाँ पर वही याद है मुझे 120, इसलिए मैंने फटाक से 120 बताया। तो चलो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड टोटल बी अरेंज्ड। तो देखो यहाँ पे टोटल वर्ड हम किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो देखो टोटल 5 है, 5P5 हमें अरेंज करने का है, पर इसमें क्या है, देखो इसमें एक कंफ्यूजिंग है कि इसमें डबल टी है, और डबल टी से हमें डबल टी है तो इसलिए हमें इसके वर्ड ज़्यादा अरेंज नहीं होते। तो इसका एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, 5 है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डबल कितने हैं, टी डबल है तो यहाँ पे उसे डिवाइड करने का 2 फैक्टोरियल से। तो 5 फैक्टोरियल का 120 आता है और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आती है, तो 2 6 60। तो ये इसका आंसर ए होगा, ठीक है, समझ में आ गए। टोटल वर्ड में ये टी डबल है इसलिए हमने 5 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल को हमने टी डबल है इसलिए 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अगर आपके नाम में भी कुछ लेटर डबल होगा तो आप उसे डिवाइड करो, ठीक है, तभी आपका आंसर सही आएगा, समझ रहे हो। देखो टोटल इसमें से आप ये वाला टी इधर गया क्या और ये वाला टी इधर आया, वर्ड तो एक ही बनेगा इसलिए हम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल किया है, समझ रहे हो चीज़ को अच्छी तरह से समझो, ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 का आंसर देखते हैं क्या है, आंसर ए 60, ठीक है। तो चलो एग्जांपल 2 हो गया, एग्जांपल 3 देखते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ए ए बी 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 सी बी अरेंज। तो यहाँ पे आपका सब कंफ्यूजिंग जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, तो यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल। ये कितने बार आया है, 2 बार आया है,
इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। बी कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है इंटू 3 फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, जो भी आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम, मुझे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, माउस से लिखना भी नहीं आएगा। तो देखो, 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1 और 3 फैक्टोरियल मीन 3 × 2 × 1। तो देखो, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, ये तो बचता है 2 से यहाँ से हम 2 बार इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 बचता है, तो 6 × 5 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा कितना आएगा, 6 × 5 कितना होता है 30 और 30 × 2 = 60, तो यहाँ पे 60 हमारा आंसर। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए ही आता है, हम इस वर्ड को इतनी बार अरेंज कर सकते हैं, 60 बार डिफरेंट वे से हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन नहीं कर रहे, इसमें ऑर्डर मैटर करती है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे थर्ड एग्जांपल सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप भी सॉल्व करो इसे। देखो इसमें क्या किया है, पोजीशन को लॉक किया है, उस टाइप का पैटर्न है। तो देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऋषि बी अरेंज सो दैट द ओवेल्स आर एट द टू एंड्स। मतलब जो भी ओवेल्स है इसमें वो एंड पे होंगे, टू एंड्स में होंगे। ठीक है, तो देखो, यू एक है और आई है, तो यू यहाँ पे आ जाएगा और आई जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बचे हुए वर्ड्स जो भी है वो बीच में आ जाएंगे, आर यस और यच। ठीक है, टोटल 1, 2, 3, 4, 5 हो चुके, तो ये ओवेल्स जो है वो टू एंड्स में जा चुके, तो ये तो एंड में फिक्स रहेंगे। सोचो ऐसा ही दिमाग में सोचने का, जो किसी भी टाइप पे एग्जांपल आने आएगा तो उसको थोड़ा सोचने का, थोड़े आराम से सोचने का, क्या होगा अगर हमने क्वेश्चंस को रीड करके अरेंज किया, एक पैटर्न बनाया या फिर एक इमेज बनाई, तो क्या होगा ये सोचेंगे। देखो, ओवेल्स पोजीशन इसकी लॉक की है, ये यहाँ पे फिक्स रहेगा। अब अरेंजमेंट किसकी करने की है, ये तीनों की ही तो अरेंजमेंट करने की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, समझ रहे हो, 3 फैक्टोरियल। अब देखो, ओवेल्स एट द एंड बोला है, ऐसा नहीं बोला कि यू फर्स्ट में रहेगा, आई सेकेंड में रहे, लास्ट में रहेगा, ऐसा नहीं बोला। ये जो आई है वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है और ये यू एंड में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये कितने कितने हैं ओवेल्स, कितने हैं, टू है, टू लेटर्स है, समझ रहे हो, टू लेटर्स है, तो टू लेटर्स में अदला बदली तो होगी, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 का फैक्टोरियल क्या रहता है, 3 × 2 यहाँ पे 6, और 2 का फैक्टोरियल क्या रहता है, 2 रहता है, तो 6 × 2 = 12। तो 12 हम 12 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। देखो, समझ में आया, 12 बार इसका ऑप्शन सी रहेगा। देखो, और डीप में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखो देखो, ये बीच में कितने हैं, 3 वर्ड्स है, 3 वर्ड्स के फैक्टोरियल कितना होगा, 6 होगा। मतलब ये तीनों को हम आर एस एच को हम 6 टाइप में अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कब यू स्टार्टिंग में यू रहेगा, तो ये हम 6 बार अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आई आ गया और यू लास्ट में चला गया, तभी भी हम ये तीनों को 6 बार ही अरेंज कर सकते हैं, तो 6 + 6 = 12। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। देखो, तो इसका आंसर देखो, सी करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि वो जो फर्स्ट वीडियो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जहाँ पे मैंने डीप में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, वो देख लीजिए, उसके बाद ही एग्जांपल सॉल्व करो। देखो, 5th एग्जांपल यहाँ पे, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड रेक्टिट्यूड बी अरेंज्ड सो दैट द ओवेल्स कम टूगेदर। कम्स टूगेदर मीन्स ओवेल्स का जो भी है वो एक ग्रुप रहेगा। ठीक है, और कितने टाइप्स है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज
बोला है, ठीक है। तो अरेंज्ड, अरेंज्ड करने के लिए बोला है, मतलब ये परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है। तो देखो इसका मैं आंसर देखना चाहूँगा यहाँ पे, और जो भी आंसर में है उससे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी आता है 4300। तो देखो कैसे आता है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखो रेक्टिट्यूड वर्ड है हमारा, और क्या बोला है हमें, कंडीशन क्या दी है, ओवेल्स कम टूगेदर। तो इसमें ओवेल्स कौन कौन से है, ई है, आई है, यू है और ई है, ठीक है। तो ये एक जगह पे रहेंगे, तो देखो ई आई यू ई ये एक जगह पे आ गए, और बचे हुए जितने भी कंसोनेंट लेटर है वो एक जगह पे, ठीक है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और ये एक मिला के 6 हो गया, तो 6 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल किस कैसे आया, 6 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन क्या दी है, ओवेल्स कम टूगेदर, मतलब देखो ओवेल्स तो ये एक साथ ही रहेंगे, और मतलब ओवेल्स एक साथ रहेंगे, ओवेल्स किधर भी जा सकते हैं, आर और सी के बीच में भी जा सकते हैं, एक ग्रुप में, पर कम टूगेदर एक ही साथ रहेंगे, किधर भी जाने दो एक ही साथ रहेंगे, आर और सी के बीच में भी जा सकते हैं, सी और टी के बीच में भी जा सकते हैं। तो इसलिए इसको भी एक एक ग्रुप है, तो इसलिए ग्रुप को हम 1 कंसिडर करेंगे। इसको 1 कंसिडर किया तो ये 2 3 4 5 और 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, समझ रहे हो 6 फैक्टोरियल कैसे आया। अब ये हो चुका सभी का, अब देखो ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप में भी वैल्यू इधर उधर हो सकती है। ये जो आई है स्टार्ट में आ सकता है, यू स्टार्ट में आ सकता है, एंड में भी जा सकता है। तो ये कितने हैं ग्रुप में, कितने हैं, 4 है। तो इसलिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो, ध्यान से समझो। अब इसमें डबल है, कुछ कुछ लेटर डबल आ चुके हैं, इसलिए हमें पता है लेटर डबल आ गए तो उसे डिवाइड करने का, तो इसलिए इसको डिवाइडेड बाय, ये कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइडेड। और कोई लेटर आया है क्या डबल, आई आई भी नहीं है, यू यू नहीं है, आर आया है क्या, नहीं है, सी नहीं है, टी टी आया है, टी डबल डबल बार आया है, डी डी सिंगल ही है, तो टी डबल बार आया है, इसलिए इसको और मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टोरियल से, और ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 4320। तो देखते हैं 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1, 6 फैक्टोरियल 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसमें कैंसिलेशन करते हैं, ये 2 गया, ठीक है, और ए भी 2 गया, ये 2 गया, उसके बाद ए 2 गया, ठीक है। जो भी बचता है उसको हम अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है 12 आ रहा है, इंटू 6 into 5 into 4 into 3 कितना होता है, देखो ये फर्स्ट हो गया 30, 30 इंटू 4 किया तो 120, इंटू 3 किया तो 36 हो चुका है, और ये 0 एज इट इज, ठीक है। अब 12 इंटू 3 6 0 करने का है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 12 इंटू 0 0 यहाँ पे, ठीक है, 12 इंटू 6 72, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 कैरी हो गया, कैरी फॉरवर्ड, फिर 12 इंटू 3 36, तो 36 प्लस 7 कितना होता है 43, तो यहाँ पे 43 4320 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया आपको हमने क्या क्या किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है, 4320, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से निकाला है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके देख लो वीडियो, 100% समझ में आ जाएगा। देखो ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप कहाँ पर भी जा सकता है, आर और सी के बीच में, सी और टी के बीच में, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा 6 फैक्टोरियल हो गया, बाद में ये 4 फैक्टोरियल, इसमें भी अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है, और डबल लेटर आया है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है 2 बार, समझ में आया। तो 5th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स,
थ्री लेटर्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ओनली कंसोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 होते हैं, उसमें से 5 वोवेल्स होते हैं, तो बचते हैं कितने, 21। तो 21 मतलब यहाँ पर यन की वैल्यू कितनी हो गई, 21। उसमें से हमें अरेंजमेंट कितने की करनी की है, थ्री लेटर्स की करनी की है, तो यहाँ पे थ्री। तो देखो एन पी आर हमारा फॉर्मूला है 21P3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन पी थ्री का हमें फॉर्मूला तो पता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये सब कुछ चला गया। देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ, इसका आंसर भी देखता हूँ। देखो एन पी आर का फॉर्मूला यूज किया है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अल्फाबेट्स 26 है, कंसोनेंट 21 है और वोवेल्स 5 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 21P3, तो 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन माइनस आर मीन्स 21 माइनस यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो यहाँ पे 18 फैक्टोरियल। तो देखो इसको कैसा सॉल्व करने का बता देता हूँ मैं, कितना 21 फैक्टोरियल है, 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, 21 × 20 × 19 × यहाँ पे 18 फैक्टोरियल, और नीचे का 18 फैक्टोरियल सेम एज इट इज रहेगा। बाद में 18 फैक्टोरियल सॉल्व कैंसिलेशन हो जाता है और बाद में खाली बचता है 21 × 20 × 19, ठीक है। तो इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर मिल जाएगा 7980। तो 7980 यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो 6 का आंसर भी बी आता है, ठीक है, यहाँ पे रह चुका होगा मेरे से सी कॉपी पेस्ट के दौरान, तो बी है, आप भी सॉल्व करो और निकालो जो भी आता है, या फिर इंटरनेट पे कैलकुलेशन भी, इसका कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है, सीधा डालो परम्यूटेशन कैलकुलेटर या फिर कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हो गूगल पे एन पी आर कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर आ जाएगा, खाली उसमें एन की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर आपको एग्जाम में वो अवेलेबल नहीं रहेगा, आपको हाथ से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टेबल्स आने चाहिए, आपको सभी 1 से लेकर minimum 30 तक, तो स्क्वेयर क्यूब मालूम होना चाहिए, तभी आप ये कैलकुलेशन जो है स्पीड में कर पाओगे। तो यहाँ पे 6 नंबर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, मतलब परम्यूटेशंस के ऊपर सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, अब हम कॉम्बिनेशंस का प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखो कॉम्बिनेशंस मीन्स क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं चीज़ों को, सिलेक्ट करते हैं, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करती, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल कॉम्बिनेशन के ऊपर, अ स्कूल टीम हैज़ 8 हॉलीबॉल्स प्लेयर है, अ फ्यू मेंबर टीम विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दिस 8 प्लेयर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन कैन बी मेड। 5 मेंबर्स की टीम हमें बनाने की है, किसमें से 8 प्लेयर में से, तो यहाँ पे 8C5 आ जाएगा। तो 8C5 का क्या होता है, हमारा तो पता है हमें NCP का फॉर्मूला क्या है, तो देखो उसी को सॉल्व किया है यहाँ पे, NCR का फॉर्मूला, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इन ब्रैकेट N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 8 है, 5 आर की वैल्यू 5 है, तो देखो 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, तो इसको 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 6। देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया है बता देता हूँ मैं, एक यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट ए एक्सप्लेन करूँगा 8C5, तो 8C5 मीन्स क्या होता है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल, तो 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 यहाँ पे × 5 फैक्टोरियल, तो ये नीचे का 5 फैक्टोरियल ऊपर का 5 फैक्टोरियल कैंसिल होता है, ये सभी का 6 आता है, 6 6 कैंसिल हो गया, और 7 × 8 यहाँ पे 56,
तो आंसर आ चुका है हमारा 56, ऑप्शन क्या है ए, ऑप्शन नंबर ए 56। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता देता हूँ, देखो 8C5 है तो इज इक्वल टू क्या रहता है, 8C3 की वैल्यू भी, 8C3 की वैल्यू भी सेम उतनी रहेगी। ठीक है, 8C5 की जितनी है उतनी ही 8C3 की रहेगी। तो देखो देखो शॉर्ट कट बता दे रहा हूँ आपको, ऊपर क्या है 8C, देखो 8C5 इज इक्वल टू 8C3 होता है, यह हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इस प्रकार से होता है, जो हमने शॉर्ट हमने कंसेप्ट देखा था तो कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है 8C5 इज इक्वल टू 8C3 था। तो देखो ऊपर 8 है नीचे 3 है, तो ऊपर 3 कम करने, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब 8 × 7 × 6 3 डिजिट, नीचे 3 है इसलिए ऊपर भी 3 डिजिट तक उसको पकड़ के 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है ये। और नीचे का फैक्टोरियल लेने का, 3 का 3 × 2 × 1, तो देखो ये 1 तो हो चुका, 2 × यहाँ पे 3 और ये 3 3 कैंसिल, तो 7 × 8 कितना हो गया, 56 ही आ गया। समझ में आ गया, अगर आपको ये पता नहीं 8C5 8 इज इक्वल टू 8C3 रहता है तो आप इसको भी इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ऊपर क्या है 8 है, नीचे 5 है, तो ऊपर 5 डिजिट से मल्टीप्लाई करने का मतलब 8 से 5 डिजिट आने तक मतलब क्या हो जाएगा, 8 ये NC0 की वैल्यू भी 1 आती है और NCN की वैल्यू भी 1 आती है, मतलब शुरू के पॉइंट की भी जो आती है वही लास्ट के पॉइंट की भी आती है, शुरू से फर्स्ट डिजिट से जो आती है वो भी लास्ट डिजिट की भी वही आती है। समझ रहे हो, ऐसा ये करते करते जाता है, मतलब फर्स्ट का जो आया वो ही लास्ट का आएगा, फर्स्ट सेकेंड का जो आएगा वही लास्ट सेकेंड का भी वही वैल्यू आएगी, फर्स्ट थर्ड की जो वैल्यू आएगी वही लास्ट थर्ड की वैल्यू आएगी, कॉम्बिनेशन में ऐसा रहता है। ठीक है, उसी का यूज करके हमने ये किया था। तो चलो मुझे लगता है आप ये कंसेप्ट आपको भी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, 8C5 इज इक्वल टू 8C3 रहता है, मतलब नीचे के जो भी एडिशन, नीचे जो भी आर है वो दोनों आर के एडिशन ऊपर की एन के बराबर होने चाहिए। ठीक है, यही शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट ध्यान में रखो, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको पहले से ही पता था ये शॉर्टकट तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है, आप कोई भी ये शॉर्टकट से कोई भी वैल्यू निकालो सेम ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो चुका है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 मेन एंड 2 वुमेन से मेड बी मेड आउट ऑफ टोटल ऑफ 7 मेन एंड 3 वुमेन्स, मतलब देखो 7 मेन से हमें 5 मेन्स चुनने के हैं, एंड दिया है, ठीक है एंड दिया है, एंड 3 वुमेन से हमें 2 वुमेन्स का एक ग्रुप चुनने का है, ग्रुप जिसमें आदमी है, इस यहाँ पे पोजीशंस या फिर ऑर्डर की कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7 में से हमें कितना 5 मैन चुनने के, एंड आया है, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन हमने देखा था उसमें, उसके बाद 3 में से हमें 2 चुनने का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं, ये 7C5 मीन्स क्या होता है, 7C2 होता है। ठीक है, 7C2, तो शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, देखो 7 × 6 2 डिजिट्स हो गए और नीचे 2 × 1, ठीक है इनका मल्टीप्लीकेशन 3C2, ऊपर क्या है 3 3C2 मतलब इज इक्वल टू क्या होगा, 3C1 होगा, समझ रहे हो 3C1 होगा, तो ऊपर 3 और नीचे 1। देखो अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 यहाँ पे 2 रहेगा नीचे और ऊपर कितना रहेगा, ये 2 से इसको हम कैंसिल करते हैं, 3 3 3 9 और 9 × 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 9 × 7 कितना 63, तो 63 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके आप विद इन 1 मिनट आप आंसर निकाल सकते हो,
अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताने का। तो 63 आंसर आता है, इसका आंसर देखते हैं हम क्या है, ऑप्शन नंबर बी 63। ठीक है, ये 7C5 और 3C2 को किस प्रकार से सॉल्व किया ये ध्यान में रखो, और सभी प्रॉब्लम इसी टाइप में सॉल्व करोगे तो आप 100 इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो उतने मार्क आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल भी हो गया और यहाँ पे पूरे के पूरे एग्जाम्पल कवर हो जाते हैं। अभी भी कुछ डाउट है अगर आपको लगता है और एग्जाम्पल इसके ऊपर होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं इसके ऊपर और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको उसका वीडियो दे दूंगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। और प्रैक्टिस सेट में देखो, आपको देखो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के, तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आपको जैसे टाइम मिलता है आप उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये चैप्टर ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको ये 100% कमेंट करके मुझे बताओ, और लाइक तो जरूर करने का वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।